अगर कोई खिलाड़ी ये कहता है कि सोशल मीडिया पर आने वाले ट्रोल कमेंट्स का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो झूठ बोल रहे हैं। कुछ ऐसा कहना है केएल राहुल का, जिन्हें पिछले कुछ समय से लगातार उनकी धीमी बल्लेबाजी और उनके इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जाता रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट मुकाबले में सेंचुरी जड़ने के बाद केएल राहुल ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आखिर इन सभी ट्रोल कॉमेंट्स और मीम्स का उन पर क्या असर पड़ता है। कुछ ही समय पहले दिए गए एक बड़े स्टेटमेंट में केएल राहुल ने इस बात का खुलासा किया कि अगर कोई भी खिलाड़ी ये बात कहता है कि इन ट्रोल कमेंट्स का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो झूठ बोल रहा है। बस आपको उनको नज़रअंदाज करना होता है और जितना आप इन सभी कमेंट्स से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब केएल राहुल की बात करें तो अक्सर केएल राहुल को कमबैक किंग कहा जाता है, क्योंकि जिस भी खिलाड़ी ने केएल राहुल की कप्तानी में खेला है उन सभी का कमबैक देखने को मिला है। अब सबसे पहले चाहे विराट कोहली की बात करें, जिन्होंने अपनी 71वीं सेंचुरी एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ लगाई थी। इसके बाद अगर शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने पहली ओडीआई और पहली टेस्ट सेंचुरी भी केएल राहुल की ही कप्तानी में बनाई थी। अब इसके बाद अगर ईशान किशन की पहली डबल सेंचुरी की बात करें तो वो भी केएल राहुल की ही कप्तानी में आई थी। उसके बाद चाहे आवेश खान और अर्शदीप सिंह की बॉलिंग परफॉर्मेंस हो या फिर रिसेंटली संजू सैमसन का शतक हो, ये सारे के सारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आए हैं केएल राहुल की कप्तानी में खेलते हुए। और अब सभी प्लेयर्स का कमबैक कराने के बाद केएल राहुल ने भी टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरियन के मैदान पर अपना लगातार दूसरा शतक लगा दिया है, क्योंकि पहला शतक उन्होंने पिछली बार 2021 में लगाया था जब टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था। और अब कह सकते हैं कि अब सारे प्लेयर्स का कमबैक कराने के बाद केएल राहुल ने भी अपना कमबैक कर लिया है, क्योंकि अगर इस सीरीज से पहले बात करें तो केएल राहुल टीम इंडिया में विकेट कीपर के तौर पर पहली चॉइस तो बिल्कुल नहीं थे। ईशान किशन को उस टीम में शामिल किया गया था, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस सीरीज से बैकआउट कर लिया था जिसके बाद केएस भरत को इस टीम में शामिल किया गया था। लेकिन केएस भरत के होने के बावजूद भी टीम इंडिया ने केएल राहुल पर भरोसा जताया और उन्होंने टीम इंडिया का भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ा। एक ऐसी पिच जहां पर टीम इंडिया के लगभग सारे बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए, वहीं पर केएल राहुल एक एंड पर लगातार डटे रहे और अपनी सेंचुरी पूरी करने के बाद ही पवेलियन वापस लौटे। अब सोशल मीडिया पर किए गए ऐसे ट्रोल कॉमेंट्स और केएल राहुल का ये जो स्टेटमेंट आया है उस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोज के लिए क्रिकेट ज्ञान को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।